तो चलो अभी मुस्तफा ही बताएगा कि गर्ल है या बॉय। अब कसल अब आप घर में छोटी नहीं हो, अब एक और छोटा रहे। रोजा हमारे साथ खुलेगा। हाँ, उसका पहला रोजा हमारे साथ। देखो बेबी रमजान में है, कल का रोजा हमारे साथ खोलेगा। कल आज डॉक्टर ने नहीं, रोजा हमारे साथ रखेगा, खोलेगा कल इफ्तारी के टाइम पे आएगा। अच्छा, कल इफ्तारी के टाइम। और आज डॉक्टर ने ना पूरा कंफर्म कर दिए कि कल आपको पक्का पक्का बेबी दे देंगे। बिल्कुल अभी थोड़ा सा बिजी है बेबी। बॉस बेबी। और यहाँ पर तैयबा ने क्या बनाया हुआ है, लैपटॉप लेकर बैठी और अपना देखो ये ड्रॉ कर रही है, और इतना अच्छे से नीट ड्रॉ किया है। पल देखो बीच में कैसा बनाई। तो मामा का फोन लग रहा है, जैसे मामा का फोन है वैसा नहीं लग रहा। अभी जैसे हम कौशल को लेकर आए हैं घर पर, तो वहाँ पर जो है ना नीचे वाला वो स्प्रिंग वाला मैट्रेस है, इसकी नाप करनी है। कि नाप कर नीचे से करके आ गए हो पहले, ऊपर ही डायरेक्ट आ गए हो? नीचे से करके आए पूरा है। हाँ, यहाँ से भी पूरा लंबाई नापते हैं हम, इस साइड से भी पूरा। ओके हो गया। आराम से जल्दी आराम से काम करो। तुम छोड़ दो इसको, कहते कि यहाँ से ना ऐसे नीचे फेंको, ये तो टूट जाएगा। टूटेगा कहाँ, गद्दा कहाँ टूटेगा ये। अभी ठीक है। ऊपर क्यों लेके जा रही हैं? क्यों ऐसे क्यों? उसको लगता है शायद मेरा कोई रूम बन रहा है, मेरा रूम चेंज हो रहा है। ये मैट्रेस चेंज कर रहे हैं। ये वाला असल में बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा मोटा है, और ये वो दूसरा है स्प्रिंग वाला है। तो ये उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर लेटने में ना। ऐसे जान बुझ के कर रहा है। ये तो इसने इसको धक्का दिया। और आप देखो ये पूरा मैट्रेस ना इस पे फिक्स आ गया। मैं सोच रही थी कि अम्मी के रूम का जो ये बेड है ना ये काफी बड़ा है, और ऊपर वाला जो मेरा बेड है ना वो छोटा है। लगा शायद नहीं आएगा, पूरा आ गया। चलो ठीक है, अब सही है कौशल ये वाला। अब चलो सुकून से अब सोना। मेरे गले में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो ये मैंने अपने लिए टैबलेट मंगाई है, और साथ में इसके साथ ना मैं आज पीने वाली हूँ अदरक वाला कावा। बाकी कौशल को भी मैंने मेडिसिन दे के, दूध दे के, खाना वाना जो उसको हल्की फुल्की गजा बोली। इनको ना यहाँ पर बैठे बैठे ना इधर ही नींद आ रही है। आयत भी इधर सो गई है, ये जो है ना हॉस्पिटल के चक्कर ऊपर नीचे आ जाके ना ये भी थक गए। मैं कहूँ ये पीछे कब से कहाँ से आवाजें आ रही हैं, लड़ाई। देखो छोटा बच्चा लगता है ये। सुबह सुबह जैसे मैं उठी हूँ ना, टाइम अभी पूरा बच गया, सारा काम अधूरा पड़ा। और अभी मैं बना रही हूँ भाई के घर की ईद। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये एक फौजिया का सूट रखा है, ये फौजिया का हो गया, और ये भाभी का सूट हो गया, ये हो गया इसमें भाई का सूट। तो ये तीनों का मैंने सूट रखी साइड पर। मैं सबकी ना यहाँ पे चूड़ियाँ लगा रही हूँ अपने हिसाब से, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ऐसे ना बहुत सारी बैंगल्स ले ली थी, कुछ बच्चों के साइज की, कुछ बड़ी कुछ मीडियम, तो इस तरह के काफी सारे साइज लिए। अब देखो किस किस को आते हैं नहीं आते। चूड़ियों की ये लाइन पूरी हो गई, छोटे कुछ मैंने बच्चों के साइज रखे हैं, और एक मेहंदी हो, दो बैग मैंने रखे हैं जो सबसे भाई की दो छोटी बेटी है, और एक मैंने ये वाली इयर रिंग्स रखी है भाभी के लिए। देखो भाभी की ईद हो गई तैयार, बस अब इनको पैक करना है। अभी ये वाली बास्केट मैंने निकाली है जवाहर के लिए। मैंने कराची में मीटअप रखा था तो जवाहर मुझसे मिलने आई थी, ये मैंने उनके लिए सूट लिया है। पूरा सूट इस बास्केट में आ गया। बैंगल्स में ना ये दो कलर में जिसके साथ अच्छे लग रहे थे, दो मैंने चूड़ियों के साथ रखे हैं, और ये एक इयर रिंग्स हो गई, ये मेहंदी कोन हो गई, कि इसके अलावा ये परफ्यूम हो गया। तो ये हो गई ईदी जवाहर की। ये वाली बास्केट मैं तैयार कर रही हूँ आमना के लिए। अपने कराची मीटअप में आमना को भी देखा होगा, आमना मुझसे मिलने आई थी, तो ये मैं उनके लिए ईदी बना रही हूँ। तो ये कलर मैंने आमना के लिए लिया। उसके बाद एक ये मैं जेंट्स सूट साथ में रख रही हूँ। अब मुझे ये पता नहीं है कि आमना की फैमिली में कौन कौन है, बस जिस दिन वो मुझसे मीटअप पे कराची में मिलने आई थी तब उन्होंने बताया था कि बेटे के साथ आई हैं, तो ये उनका सूट है साथ में उनके बेटे का गया। और बाकी साथ में ये दो बैंगल्स हो गई, और बाकी साथ में ये परफ्यूम हो गया, और बाकी इसके साथ ये इयर रिंग्स हो गई, कि इसके अलावा ये हो गई नौशीन की बास्केट। सबसे पहले ये हो गया नौशीन का सूट, उसके साथ हो गया ये फैसल भाई का सूट, और बाकी ये हो गया परफ्यूम। सबकी सेम ही पैक की है, चूड़ियाँ है, और साथ में जैसे इयर रिंग्स का ऐसे मैंने सेट लेकर रखे हुए। ये हो गई नौशीन की बास्केट,
और अब ये बनने वाली है मरियम की बास्केट। इसमें तो ये साथ में मरियम की हो गई, और ये देखो ये सारी बास्केट जो है ना तैयार हो गई हैं, जो दूर दूर की, जो बाकी जो इस्लामाबाद की उनको फिर मैं बाद में पैक करूंगी। और अभी ना छोटे छोटे बच्चों के साइज बचे हुए हैं, बड़े साइज चूड़ियों के खत्म हो गए हैं, और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं, आज इनको भेजना है ये जो बाकी। इस बास्केट को मैंने देखो ऐसे पैक कर लिया, और यहाँ पर ऊपर अब ये वाला फ्लावर लगाना है। तो देखो ये बन गया इस तरह से हमारा ये प्यारा सा फ्लावर। अब इसको यहाँ पर बांध देते, मुझे बताएगी कि फ्लावर सीधा है, इस साइड से बताना ठीक लग रहा है सीधा सीधा। हाँ वीडियो में ये नीचे ही आएंगे ना, ये दोनों साइड नीचे आएंगे, ठीक है, घुमा के ना, और इसको ना आगे से बांधना है ये। और इसी तरह से और भी कितनी सारी बास्केट ऐसे पैक करनी है। इतना काम मुझे लग रहा था कि एक ही दफ़ा बैठ के जल्दी जल्दी कर लूँगी, लेकिन टाइम लगता है इस पर भी, हर काम जो है ना टाइम मांगता है। देखो जैसा भी बना है कुछ ना कुछ बन तो गया। इस तरीके से ये हमने पैक कर दी एक बास्केट। कल इन्होंने लिखे थे आधे अधूरे कार्ड, अभी इनको बुलवा के बाकी सारे कार्ड में लिखवा लिए। सितारा की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक आप सबको। तो एक एक कार्ड ना ये सारी बास्केट में भी रखना, एक इस बास्केट में जाएगा और एक इस बास्केट में जाएगा। इसके अलावा ये थैला मैंने अभी मंगवाया, इसमें चॉकलेट है और कुछ सिवाइयां हैं। ताकि इस ईद पे ना हर कोई सिवाइयां बहुत ज्यादा, पहले तो हमारी साइड पे बहुत ज्यादा दी जाती थी, अब ये थोड़ा कम कर दिए, लेकिन मैंने सोचा एक एक पैकेट ना सिवाइयों का, और मीठे में साथ में मैंने ये कुछ चॉकलेट्स मंगवा लिए। ईद वाले दिन ना जो मेरी साइड की सिवाइयां है ना वो भी हर किसी के घर में पकेंगी। तो दो दो चॉकलेट सबके इसमें रखती जाती हूँ। ये वाली वैसे मेरी फेवरेट चॉकलेट है, इस वजह से मैंने साथ में मंगाई है पैकेट सिवाइयों का। अभी देखो हमारे ईद वाले जो बास्केट है वो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। देखो बाकी इस तरह से मेरे हस्बैंड ने ये भी बनाकर लिख दिया कि ऊपर ना नाम भी लिख कर ना सामने रख दो, जिस जिस की भी ईदी है, बाबर अकबर कराची, वो आखिर में वो ईदी, हाँ ये बाबर की, उसी में रखो। बाकी ये हो गई आंटी नजमा कराची, ये भी कराची जाएगा, तो इसको यहाँ पर रख देते। तो ये मुल्तान में जाएगा तो ये यहाँ पर रख देते है। वकार बशीर कराची, तो ये रही इनकी ईदी। अभी किसका लिखा है, आमना का लिखा है, आमना रिएक्शन कराची। तो ये रही आमना की ईदी, तो इसको ना यहाँ सामने रख देते। आमना रिएक्शन नौशीन मुल्तानी, ये आमिर बशीर, ये इजी हो गया ना, अब सबके सामने पड़ी रहेगी। ये वाली जवाहिर की है, ये वाली, हाँ ये वाला फारूक भाई के घर की है, ये वाली जहाँ पर पिंक छोटा बैग नहीं पड़ा ऊपर, हाँ। और बाकी ना इस तरह के कार्ड मुझे इतना ज्यादा अच्छे लगे, ये देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है ना ये कार्ड। और इसमें ना कार्ड ही सारे खत्म हो गए थे, ये उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे बनवाए ना फौरन सेल हो गए, तो एक लास्ट में बचा हुआ था भांजे की ईदी, तो मुझे फिर मैंने इसको जो है ना फौरन से ले लिया कि चलो बाबर के पास ये वाली ईदी मेरी चली जाएगी उसके पास। ये देखो यहाँ पे रखो भी ना ईदी में तो इतना अच्छा लगता है। ये इतने सारे मैंने फूल बना लिए और मेरे हस्बैंड बस कार्ड लिख के फिर से गायब हो गए। मैंने कहा ये सारी हेल्प कराओ, ये सारा पैक कराने। अब मैं से ना सबसे पहले ना मैंने उसकी मरियम की पैक की है, तो मरियम की एक साइड पे पैक करके रख दी और बाकी सब। तो इतना सारा टाइम लगाने के बाद ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कराची वाले जो दूर दूर के थे ना सारे, उन सब की तो ईदियाँ जो ना पैक हो गए, जितने भी दूर दूर के थे सबकी ईदियाँ पैक हो गई हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल जो है ना 9 है। और कलर भी ना ये पिंक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। जल्दी जाओ नीचे, पापा बुला रहे हैं। रख लिए नीचे गिफ्ट सारे, कलर कितना प्यारा लग रहा है इनका। ये वो कॉटन में पैक करेंगे, कॉटन में पैक करवाएगा ना, कुछ चीजें इसमें टूटे ना। पहले जो है ना ये व्हाइट पत्थर सारे अंदर की तरफ छुपे हुए थे तो दिख नहीं रहे थे, अब यहाँ पूरे पूरे साइडों से निकाल के लगा के पूरे ना इसके साथ मिला के रखे ना, तो आप देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। तो चलें जी, सभी की ईदी जो है गाड़ी में रख दी है, इसको आगे रखें, आगे हाँ, तो फुल हो चुका है। और आगे सीट पर भी ये देखें, आगे सीट भी फुल है और पीछे ट्रंक भी फुल है। अभी बच्चे कैसे जाएंगे ट्यूशन, बच्चे दोबारा अभी ट्रंक को करते हैं बंद, तो चलते हैं कार्गो वालों के पास। देखो अभी से जैसे मैंने ईद गिफ्ट पैक किए, ईद गिफ्ट भी आना शुरू हो गए, और इतना बड़ा ये तीसरा ईद गिफ्ट आया, और इसके साथ साथ बच्चों को ये जिम्मेदारी देनी है, ठीक है। हलीमा ने आज, हलीमा बैठो, हलीमा और तैयबा दोनों मिलकर ना बैलून फुलाएंगे, ठीक है। ये सारे जितने भी सारे बैलून है ना सारे फुला देना, सही है। वैसे तो ये वाला जो है ना इसकी हम बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, सबसे पहले ना हम बेबी के वेलकम की तैयारियां करते हैं। जब से मैं तैयार होकर खड़ी हूँ ना, आपके पापा ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, अभी टाइम देखो कितना ज्यादा हो गया, कल डॉक्टर ने यही टाइम दिया था कि इस टाइम पर आ जाना। बच्चों को मैंने नीचे बैलून में लगाया, बैलून फुला रहे हैं,
और अभी तक इनके पापा नहीं आए। मम्मा ने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर पहना हुआ है। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? उस खुशी में मैंने ये लाल जोड़ा पहना है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हैं बता? बेबी को लेने। बेबी को लेने के लिए जा रहे हैं। एक नया मेहमान आ रहा है हमारी फैमिली में, एक और इजाफा हो गया। अभी आपको कीजिएगा, नबीता को देखें किधर चला गया है। अभी सो रहा, सोने दो, सोने दो, अब नहीं जाता, अब समझदार हो गया। ये वाले फूल देखो, इतने दिन हम हॉस्पिटल में रहे जाते रहे, फूलों को तो किसी ने देखा ही नहीं, खिल के मुरझा भी चुके और अब हम देख रहे हैं। एक आप खड़े जाओ, कपड़े पहनो, नहीं डालूंगी, जाओ 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 ना यहाँ से। तो मॉर्निंग सुबह के टाइम पे ना सबसे ज्यादा ये वाले फ्लावर इतने प्यारे खिले हुए थे ना, ऐसे फ्रेश फ्रेश सारे चारों तरफ। और अभी ये सारे जो बंद हुए हुए हैं ना, ये वाले ये जो बंद हुए हुए हैं, ये सुबह के टाइम पर सारे खुले होते हैं। अभी ऐसा ऐसा सारे ना बंद होते जा रहे हैं। और इसमें दो कलर के, एक ऑरेंज और एक येलो। और इसके अलावा ना ये वाले जो हमारे फूल है ना, इनका कलर देखो कितना प्यारा है ना, इसमें भी तीन चार कलर के फूल खिलते हैं। लाल है, सफेद है, और ये पिंक है, और ये ऐसा पीच ऑरेंज ऐसा कुछ आ रहा है, ऑरेंज नहीं है, पीच सा। चुकी अपने हस्बैंड को, यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से गाड़ी आएगी, अभी तक नहीं आ रहे। चलो जब तक बैठ के आपसे बातें ही कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आज मेरा ना पूरा दिन इतना ज्यादा बिजी रहा है ना, सबके गिफ्ट की पैकिंग करनी थी, उसके बाद ये जो पैकिंग वाला काम होता है ना, इस वजह से हर कोई ना सारा सामान लेकर ना शॉप से जाकर पैक करा देता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही घर पे बैठ के पैक करूंगी, बस ये है कि कट करते नहीं, उस पर भी टाइम लगता है। वो जो ऑर्गेन्जा का मैंने अलग से कपड़ा लिया हुआ था, वो सारा बिठा बिठा के सारा फिक्स करके पैक करना, ऊपर फिर रिबन बांधना, फिर फूल लगाना ऊपर, तो उस पर अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर वो मैंने अपने हस्बैंड को दिया, वो देने के लिए। उसमें मेरा कल का जो ब्लॉग था ना, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जब हम हॉस्पिटल से आए थे तो सो गई थी, इस वजह से दिन में फिर मैंने उसकी एडिटिंग की, उस पर अच्छा खासा टाइम लग गया। अब हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल, जिसका बेसब्री से इंतजार था, जिसका इस दिन का इंतजार था, और अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगी। मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी कि अल्लाह खैर से हमें ये दिन नसीब करे, और बाकी अल्लाह ने औलाद से नवाजा। मैं डरे हुए थे, टेंशन थी कि वो फीड नहीं कर रहा था, ऐसा ऐसा लेना शुरू कर दिया। तो आज के दिन डॉक्टर ने 5 बजे का बोला था कि आप आइएगा और बेबी को यहाँ से ले जाइएगा। बेबी के वेलकम के लिए बच्चों को नीचे बैलून देकर आई हूँ कि वो फुलाएं, और फिर हम बेबी को लेने के लिए चलेंगे। बाकी इसके अलावा ना आप सबको बहुत इंतजार था, काफी सारे मुझे इससे रिलेटेड कमेंट आए कि बेबी गर्ल है, बॉय हुआ है या गर्ल हुई, आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं। एक वो होती है ना खुशी होती है, तो इंसान खुशी में फिर बताता है। एक थोड़ा हम पहले से भी डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होता है ना, कुछ बोलने का फिलहाल हमारा दिल नहीं था कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बताएंगे। तो चलो अभी मुस्तफा ही बताएगा कि गर्ल है या बॉय है, उसी को बोलते हैं, वो बताएगा। ये पहनने जल्दी 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 बैठो 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 बैठो, ये गुड न्यूज मुस्तफा ने देनी है, यहाँ पे बैठो, ब्रश नहीं किया ना बालों। जो बेबी बॉय और बेबी गर्ल की गुड न्यूज वो मुस्तफा देगा, और मुस्तफा बताएगा। मुस्तफा का तो पहले दिन से पता चल गया था ना, जब ट्यूशन में था जी, हमने हाँ जी पहले फोन हमने फोन किया था, क्योंकि मुस्तफा ने कहा था नाम मैं रखूंगा, तो हमने इसको फोन करके फिर पूछा था। और हॉस्पिटल में ना बर्थ सर्टिफिकेट इसी हॉस्पिटल में उसी टाइम बना के दे रहे थे, उन्होंने कहा नाम यहाँ पर लिखवा लो। तो फिर कौसर भी उस टाइम होश में नहीं आई थी, और मेरे हस्बैंड को फोन कर रहे थे, वो एक नाम बता रहे थे, कह रहे थे अच्छा मुस्तफा से पूछ लो। फिर हमने इसको फोन करके उसी टाइम पूछा, तो इसको पता तो चल गया था कि क्या हाँ, गल है, जेंडर बताया चल गया। हाँ। गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले मेरी विश पूरी हो गई, जो मैं हमेशा से कहता था कि जब तैयबा पैदा हुई, जब आज पैदा हुई थी कि मुझे अपना भाई चाहिए, तो आज फाइनली मेरी ये इतनी पुरानी विश पूरी हो गई, और अभी जो है अल्लाह ने मेरी विश पूरी की है, अल्लाह ताला ने, और अब जो है हमारे घर पे एक बेबी बॉय भी आ गया है। मेरा छोटा भाई है, बहुत ज्यादा छोटा, लेकिन मुझे भाई तो दिया अल्लाह ने, मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ अभी। तो अभी चलते हैं, अभी वो बेबी आने वाला है, बेबी बॉय, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब हमने भी गोद में नहीं लिया, टच तक नहीं किया, बस दूर से ही देखा था, और मुस्तफा ने तो देखा ही, इसने देखा ही नहीं, मैंने दूर से देखा है, मतलब वो शीशे के ग्लास से तैयबा आयत ने सबने दूर से ही देखा, और खुश सबसे ज्यादा यही था। और तैयबा के टाइम पे भी बहुत दुआ करता था, मैं इसे पूछती थी ना कि आपको बहन चाहिए या भाई, तो कहता मुझे भाई चाहिए, मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। फिर आयत के टाइम पे पूछती थी तो क्या चाहिए आपको, तो यही बोलता था मुझे भाई चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा। बस यही था, मैं वही कह रही थी कि खुशी हमें मिलेगी तो हम खुशी में ही ये सब बताएंगे, जैसे हमें ये कन्फर्म हुआ कि बॉय हुआ है, जीताने वाला है। आप मुझे बॉलिंग कराने वाला, आप तो उसको क्या गिफ्ट करोगे? मैं उसे एक बॉल गिफ्ट करूंगा ताकि मुझे बॉलिंग कराएंगे। चलो हमारे घर में 2 लड़के हो गए, चलो भागो, बैलून फुलवा जल्दी करो। बच्चों ने मिलके कहां गई थी बायत सारे? Happy birthday to you!
तो गाइज मैं अभी जो है अभी हमने अनाउंस तो कर दिया है कि जेंडर अनाउंस कर दिया हमने कि वो बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, तो वो है बेबी बॉय। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फाइनली उधर मैंने इतना बताया नहीं, लेकिन अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता मेरी फीलिंग्स, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी बहुत पहले से विश थी कि एक बेबी बॉय भी हो हमारे घर में। तो आज फाइनली एक बेबी बॉय भी आ रहा है, मेरा छोटा भाई होगा और मैंने उसके लिए नाम दिया, अभी से ही सोच रखा है, अभी हमने जाना है उसे लेने के लिए। और एक्साइटेड मैं बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है कि मेरी विश भी पूरी हुई। ज्यादा टाइम हो गया, मैं हमेशा सोचा था जब आयत पैदा हुई थी तब तो मेरी बहुत ज्यादा विश थी कि एक बेबी बॉय हो, लेकिन इन दी एंड वो भी एक बेबी गर्ल थी। तो आज फाइनली बेबी बॉय है, अब उसे चलते हैं लेने के लिए। पापा भी नीचे आ गए, हम कब से उनका इंतजार कर रहे थे, इतने सालों बाद जाके मेरी विश पूरी है। ये पहली विश है जिसे मेरी इतना ज़्यादा टाइम लगा, वरना मम्मा जो भी विश होती है मेरी मम्मा पूरी करा देती हैं, लेकिन बेबी बॉय की विश थी कि वो इतना टाइम बाद जाके पूरी हुई है। तो चलो अभी चलते हैं फिर बेबी बॉय को लेके आते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है, मैं छोटा भाई आ रहा है घर में और ये स्ट्रिप्स देखो। अच्छा ये मामा अपनी गाड़ी पे लगाएंगी। ये कैसा लग रहा है आपको आपका भाईजान? कौन आ रहा है आपको पता है? आपको कैसा लग रहा है? ब्रदर आ रहा है आपका छोटा ब्रदर। अब आप भी किसी से बड़ी होगी। आयत अब आप घर में छोटी नहीं हो, अब एक और छोटा रहे।